फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मामला तो यूपी का है, लेकिन इसका असर उत्तराखंड पीआरटी भर्ती में भी पड़ सकता है। वो असर कौन सा पड़ेगा और किस तरह से पड़ेगा, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ऊपर आपको आई बटन में सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे पीआरटी भर्ती से रिलेटेड। उसके अलावा आपको एक यूआरएल लिंक यूट्यूब चैनल का दिख रहा होगा, उसको भी अपना प्यार जरूर बरसाएं, हमारा ही चैनल है। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि एनआईएस डीएलएड कोर्ट ऑर्डर जो है यूपी का रिलीज़ हो गया है, यानी कि 29 तारीख को ऑफिशियली यहां पर मान्यता दे दी गई कि यूपी में एनआईएस डीएलएड वाले वैलिड हैं। तो फ्रेंड्स, इसका क्या असर पड़ सकता है उत्तराखंड की पीआरटी में भर्ती को लेकर, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे बाद में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आपको कर देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं सारा कुछ, जिसने कोर्ट केस किया है, किस संबंध में किया है, कौन से जज हैं और किस तरह से, यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो ऑर्डर भी निकाला गया है कि दिस कोर्ट हैज़ पास द ऑर्डर डेटेड 29/7/2021 अंडर, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेशनल काउंसिल की NIOS कैंडिडेट आर वैलिड एज पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ यूपी टेट फॉर अपर प्राइमरी एंड प्राइमरी रिक्रूटमेंट इन द लाइट ऑफ लेटर डेटेड 6 पॉइंट, जो कि ऑर्डर आया था 6 जनवरी 2021 को। यहाँ NCT के जरूर, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसीडर किया था कि NIOS देश भर में वैलिड है। इसी वजह से उत्तराखंड में, जैसे कि आपको पता है कि PRT की भर्ती आई हुई थी, जिसमें भी शिक्षा मंत्री ने, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए किस तरह से शिक्षा विभाग हर चीज़ों को अलग अलग तरीके से हैंडल करता है, उसका जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कि जैसे ही NCT की ओर से ऑर्डर आए कि NIOS वाले भी वैलिड हैं, यहाँ उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने उसको भी रिलीज़ कर दिया। लेकिन जब BEd और भी जो संस्थान हैं रेगुलर डाइट वालों ने उसका विरोध किया, तो उन्होंने वापस ले लिया इस मामले को और बाकी NIOS वालों ने केस कर दिया। तो यहाँ पर यही मैं कह रहा हूँ कि अगर इस PRT भर्ती को उत्तराखंड में अगर लटकाने का किसी को अगर तमगा दिया जा सकता है, तो वो दिया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड प्लस गवर्नमेंट के साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड और हमारे शिक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने इस मैटर को इतना लाइटली लिया और ये मामला अब इतना हाइटली बन गया है कि अब ये मतलब ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं वाली बात हो गई। लेकिन जिस तरह से यूपी का जो मामला आया हुआ है, जहां पर NIOS डीएड वालों को वैलिड मान दिया गया, आप देख सकते हैं सारा कुछ आपको यहां से अच्छे तरीके से मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं। ये जो ऑर्डर कोर्ट की ओर से आया हुआ है, जो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर साफ साफ ये चीज़ें यहाँ पर मान ली गई हैं और गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एजुकेशन विभाग को ये ऑर्डर दे दिया है कि 15 दिन के अंदर, आप यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर साफ साफ ये चीज़ कहा गया है कि आपको एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन है, सभी को ये कहा गया है कि 15 डेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम विद इन 15 डेज फ्रॉम टुडे एंड इफ सच रिप्रेजेंटेशन आर प्रेफर्ड बाय द पिटिशंस विद इन द अपॉर्सेट स्टैपेंड टाइम द अथॉरिटी कनेक्ट कंसर्न। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो ये रही ये ऑर्डर, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज की डेट का है जो 4 अगस्त कल की डेट का है। तो यहाँ पर इन व्यू द अपॉर्सेट टर्म्स द राइट पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ द फाइनली, तो यहाँ पर फाइनली ये जो है चीज़ निकल के सामने आ गई कि NIOS डीलेड वाले यूपी में वैलिड हैं। तो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ तो इंग्लिश में था, अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर मैंने सारा हिंदी का जो है वो चीज़ यहाँ भी आपको ट्रांसलेट करके दिखा दिया गया। बाकी अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो मैंने अपने इंस्टा की स्टोरीज को मैं इसको पोस्ट कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब आते हैं मामला उत्तराखंड की पीआरटी भर्ती को लेकर। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में भी जो है ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है, लेकिन मामला में, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस मामले को किस तरीके से लेती। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने इस मामले को बड़े अच्छी तरीके से हैंडल
किया। और यहाँ पर देखिए केस का जो भी निर्णय आया था, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसके पक्ष में अच्छा है किसके पक्ष में ख़राब है, लेकिन जो भी हुआ निर्णय जल्दी आ गया, इससे किसी न किसी एक साइड का तो भला हुआ। क्योंकि आप देख सकते हैं उत्तराखंड में देखिए मामला कोर्ट में अटका हुआ है, ना गवर्नमेंट सीरियस है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट सीरियस है, NIOS वाले अपने तरीके से लड़ रहे हैं, DLED वाले अपने तरीके से लड़ रहे हैं, डाइट वाले और BED वाले अपने तरीके से लड़ रहे हैं। तो सभी की लड़ाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है? सरकार उठा रही है, क्योंकि उसको अपने वोट बैंक तलाशने हैं, तो इसीलिए वो इस भर्ती को लटकाए हुए हैं। कोर्ट में अर्जेंसी लगाकर इस मामले में कहा गया था कि कितनी जल्दी हो सके इसको सॉल्व करें, लेकिन कल भी हमें डेट नहीं मिली, आज भी डेट नहीं मिली, जिसकी वजह से ये भर्ती अभी भी लटकी हुई है। न जाने कब तक इस भर्ती का सोल्यूशन निकलेगा। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को आप शेयर करो और लोगों तक पहुँचाओ, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और शायद सरकार के कान में जूं रेंगे तो वो यूपी की तरह ही इस केस को भी फास्ट ट्रैक में आगे लेके जाए और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाले। बाकी जो भी अपडेट उत्तराखंड PRT भर्ती को लेकर आएगी हम आपके पास लेके आएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।